हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 94, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 26 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास थर्ड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी से लिया गया है और हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है संज्ञा। प्रश्न 1, प्यारे बच्चों पाठ शेखीबाज मक्खी पढ़िए और पाठ में आए इन जानवरों के नाम खाली जगह में लिखिए। तो बच्चों, आपको शेखीबाज मक्खी कहानी को पढ़ना है और मैं इससे पहले वाली जो वर्कशीट है उसमें शेखीबाज मक्खी कहानी को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप दोबारा से उसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन जानवरों के नाम लिखते हैं। सबसे पहला है लोमड़ी, दूसरा बताइए, बिल्कुल सही, मकड़ी, तीसरा है हाथी और सबसे लास्ट में कौन है, मक्खी। ओके बच्चों, ये सभी जीव जंतुओं के नाम हैं। इसी तरह व्यक्ति, स्थान, भाव या वस्तु के भी नाम होते हैं। किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आओ बच्चों, इसे हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझें। सबसे पहले हम देखेंगे प्राणियों के नाम। मोहन, पिता, गीता, घोड़ा, चिड़िया। अब हम देखेंगे वस्तुओं के नाम। पुस्तक, स्कूल बैग, कैमरा, कुर्सी, फल। स्थानों के नाम, पार्क, शहर, इंडिया गेट, गांव, स्कूल। भाव, बच्चों भाव क्या होते हैं? भाव हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे मित्रता। तो बच्चों, क्या आपको चित्र में मित्रता दिखाई दे रही है? नहीं, यहाँ पर आपको दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बीच में बहुत अच्छी मित्रता होगी। तो मित्रता को देखा नहीं जा सकता बल्कि उसे महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही मिठास, क्या आपको इस चित्र में मिठास दिखाई दे रही है? नहीं, यहाँ तो आपको मीठी मीठी चीजें दिखाई दे रही है। मिठास का अनुभव आपको कब होगा? जब आप इन चीजों को खाएंगे। बचपन, क्या आपको इस चित्र में बचपन दिखाई दे रहा है? नहीं, इस चित्र में तो एक छोटा सा बच्चा है, बचपन को तो महसूस किया जा सकता है। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रश्न 2, बच्चों मैं हूँ जंगल का राजा, नीचे मेरे बारे में कुछ बातें लिखी हैं, इन्हें पूरा कीजिए। तो आइए बच्चों, जंगल के राजा के बारे में जो बातें लिखी हैं उन्हें पूरा करें। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर, बिल्कुल सही। तो चलिए पहले वाला देखते हैं। मुझे एक डैश परेशान कर रही थी। तो जंगल के राजा शेर को कौन परेशान कर रही थी? मक्खी। तो आप यहां लिख देंगे मक्खी। और ये क्या है? ये जीव का नाम है। ऐसे ही ख देखिए, मैं डैश की छाया में सो रहा था। तो किसकी छाया में सो रहा था? पेड़ की छाया में। तो आप यहाँ पेड़ लिख देंगे। पेड़ वस्तु का नाम है। ऐसे ही आपको ग
और घ भी करना है। प्रश्न 3, आप अपने आसपास देखिए और कोई भी 10 संज्ञा शब्द लिखिए। तो बच्चों, अब आपको संज्ञा तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब आपको क्या करना है, अपने आसपास देखना है और कोई भी 10 संज्ञा शब्दों को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मेरे आसपास है कुर्सी, तो कुर्सी क्या है, एक वस्तु है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही मेरे पास है पुस्तक। अब आपको भी अपने आसपास देखकर बाकी संज्ञा शब्द लिखने हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।